नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम पर वैज्ञानिकों के ताज़ा शोध की और अनोखे रोबोट की। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा निशस्त्रीकरण। लेकिन सबसे पहले आइए नज़र हेडलाइंस पर। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों का दावा, भारी बारिश के लिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं है जिम्मेदार। डाउन सिंड्रोम पर वैज्ञानिकों का ताजा शोध, नए कारक का लगाया पता। खास सेगमेंट मीट विद द साइंटिस्ट में मुलाकात करेंगे जाने माने वैज्ञानिक MS रघुनाथन से। विकसित किया गया 3D प्रिंटिंग रोबोट तैरने, चढ़ने और रेंगने की खूबियों से है लैस। और खोज खबर में चर्चा करेंगे शांति के प्रसार के लिए विज्ञान के प्रयोग की। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ सालों में भारतीय मॉनसून में काफी बदलाव आया है। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी भारी बारिश के कारण देश के लगभग सभी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मॉनसून में आए इस परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग और गर्मियों में बढ़े तापमान को जिम्मेदार मान रहे थे। लेकिन IIT मुंबई के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ताज़ा शोध में इस बात को नकार दिया गया है। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने पिछले 50 साल के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया है। इस शोध में क्या नतीजे आए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तपती गर्मी के बाद मॉनसून राहत लेकर आया है। खैरियत है कि इस साल बारिश का स्तर सामान्य रहा है। हाल के सालों में मॉनसून में या तो कम बारिश हुई है या फिर जरूरत से ज्यादा। आमतौर पर माना जाता है कि ऐसी हालत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है, जिसमें भारत के जमीनी जगहों पर हवा के तापमान में और मध्यवर्ती हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन हाल में IIT मुंबई में हुआ एक शोध कुछ और ही कहता है। इस शोध में 1975 से पहले और बाद के 50 सालों के डेटा का आकलन किया गया, जो इस मान्यता को नकारते हैं कि बारिश के मिजाज में बदलाव ग्लोबल वार्मिंग या अत्यधिक गर्मी होती है। And then we have found out the differences in number of extincts for both the years, and we have found there is no statistically significant difference. We have started with this one, then we have gone, I mean, this was a very preliminary thing, and from there we have gone into more detailed meteorological studies, where we are trying to understand some of the processes in terms of Clausius Clapeyron and Clausius Clapeyron scaling and so on. शोध में पाया गया है कि अधिक तापमान होने के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में गर्मी में अधिक तापमान होने के बावजूद बारिश में कमी आई। शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्हें मॉनसून पर ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं दिखा है। शोध में ये बात सामने आई है कि तापमान में बढ़ोतरी की तुलना में जमीन और समुद्र के बीच आर्द्र हवाओं के आवागमन का बारिश पर निश्चित रूप से असर पड़ा है। ये शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छपी है। हालांकि इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में जरूर बदलाव हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी पर अध्ययन के वक्त इस शोध के नतीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। डाउन सिंड्रोम बच्चों में पाई जाने वाली एक गंभीर समस्या है, जिसमें उनके शारीरिक विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता और ना ही उनका दिमाग सामान्य बच्चों की तरह काम कर पाता है। ये एक आनुवांशिक समस्या है जो क्रोमोसोम्स की वजह से होती है। लेकिन हाल ही में किए गए शोधों के मुताबिक पर्यावरण से जुड़े कारक भी डाउन सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये शोध किया है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलकाता के वैज्ञानिकों ने, जिनके मुताबिक आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा डाउन सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होती है। देखिए ये रिपोर्ट। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है
जिसकी सुनिश्चित मात्रा शरीर के अंगों के सुचारू रूप से क्रियाकलाप के लिए जरूरी है। लेकिन शरीर में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए तो कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मसलन सिर में दर्द, घबराहट, पेट की बीमारी, आलस और नींद आना, बालों का झड़ना, अंगों का काम करना बंद होना। आमतौर पर प्रदूषित जल की वजह से शरीर में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है। अब ताजा रिसर्च से पता चला है कि अत्यधिक आर्सेनिक डाउन सिंड्रोम और इंसानों की पैदाइशी गड़बड़ियों की भी वजह है। आर्सेनिक का डाउन सिंड्रोम के साथ संबंधन खोजा है कोलकाता के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर मधु शंता डे, गार्गी पोदा, अमित कुमार चक्रवर्ती और प्रियंका बिस्वास के दल ने। वैज्ञानिकों के इस दल ने पश्चिम बंगाल में जेनेटिक रूप से विकृत 323 बच्चों का अध्ययन किया, जिसमें डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 60 बच्चों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई। When we found that the parents have high arsenic level, some of them had body burden level, that is 250 to 1000 microgram per kg, and some of them have toxic level, that is above 1000 microgram. So that then we concluded that that arsenic came to the baby, and the baby is affected by chromosomal disease or genetic disease. इन बच्चों के खून और बालों में माता पिता की तुलना में आर्सेनिक का स्तर 250 से 1000 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम पाया गया, जबकि सामान्यतः इसे 80 से 250 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम होना चाहिए था। अगर माता पिता में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो तो वो बच्चे में भी आसानी से चली जाती है और डाउन सिंड्रोम नाम की जेनेटिक बीमारी की वजह बनती है। In past, we have searched for the preventive measure against arsenic toxicity, and we have found that black tea and garlic have some effects on against these ill effects of arsenic. So we can tell the population to take arsenic-free water, garlic, black tea, 3 cups a day, and also nutritious food. Fruits, vegetables to get rid of the toxic effect of arsenic to some extent. मानवीय कोशिकाओं के क्रोमोसोम 21 में अतिरिक्त कॉपी होने को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसकी वजह से शारीरिक विकास में देरी होती है और चेहरे पर विकृति आ जाती है, मसलन सपाट चेहरा, छोटे कान, भोंगी आंखें, छोटी गर्दन और यहाँ तक कि सोचने की क्षमता में भी कमी आना। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र समान नहीं होते। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट एडवांस्ड रिसर्च में छपे शोध के ये नतीजे हिदायत देते हैं कि गर्भाधान से पहले और उसके बाद शरीर में अत्यधिक आर्सेनिक से बचना चाहिए। आर्यभट्ट से लेकर श्रीनिवास रामानुजन तक भारत में पैदा हुए कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। शून्य से शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है, जिसे इस क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक आगे ले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है पद्म भूषण और रॉयल सोसाइटी के फेलो प्रोफेसर एमएस रघुनाथन, जिनका गणित के क्षेत्र में अहम योगदान है। चलिए अपने इस खास सेगमेंट मीट विद द साइंटिस्ट में मुलाकात करते हैं प्रोफेसर एमएस रघुनाथन से। उनकी मशहूर किताब का नाम गणित के हर छात्र की जुबान पर रहता है, On discrete subgroups of Lie groups. गणित के हर छात्र के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं और नौजवान छात्रों में उत्साह बढ़ाने का उनका तरीका नायाब है। ये हैं प्रोफेसर एम एस रघुनाथन, जिन्होंने अपनी किताब में डिफॉर्मेशंस ऑफ लीनियर कनेक्शंस और रायमेनियन मैट्रिक्स जैसे विविध पहलुओं को समेटा है। गणित के प्रसार में अमूल्य योगदान की वजह से
वैज्ञानिक जगत रघुनाथन को हमेशा याद रखता है। मादाबुसी संथानम रघुनाथन का जन्म 11 अगस्त 1941 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुआ था। मैं चेन्नई के एक संपन्न परिवार में बड़ा हुआ, जो कि एक संयुक्त परिवार है। राज गार्डन से घिरा हमारा एक बड़ा घर है। मैं पास के ही एक स्कूल में पढ़ने गया, जो काफी अच्छा स्कूल है, लेकिन उसमें आठवीं के बाद की कक्षाएं नहीं थी, इसलिए मुझे स्कूल बदलना पड़ा। फिर मैंने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया, और इससे पहले मैं तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए, जिसे उस वक्त इंटरमीडिएट कहा जाता था, मैं बैंगलोर गया, क्योंकि मद्रास यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मेरी उम्र कम थी। प्रोफेसर रघुनाथन अभी नेशनल सेंटर फॉर मैथमेटिक्स के अध्यक्ष हैं। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से 1966 में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रोफेसर रघुनाथन इसी संस्थान में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस भी थे। पीएचडी करने के बाद वो अपने रिसर्च के सिलसिले में काफी समय तक अमेरिका के प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में भी रहे। ये मेरे लिए बेहद रोचक था। टाटा इंस्टीट्यूट में आने के बाद मैंने पहली बार जाना कि कठिन परिश्रम क्या होता है, इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू की और इसका आनंद भी उठाया। वहां पहले से ही कई सीनियर छात्र मौजूद थे, जो कड़ी मेहनत कर खुद को साबित कर चुके थे और गणित को अच्छी तरह समझ रहे थे। मुझे लगभग 2 साल लगे और फिर मैंने खुद से कहा कि मुझे यही करना है, वो गणित ही है जिसमें मुझे आगे कुछ करना है। प्रोफेसर रघुनाथन को मिले पुरस्कारों और सम्मानों की फेहरिस्त लंबी है, जिसमें 2001 में पद्मश्री और 2012 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान शामिल हैं। इनके अलावा उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, श्रीनिवास रामानुजन मेडल और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। प्रोफेसर रघुनाथ देश के चुनिंदा शोधकर्ताओं में से एक हैं, जिन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलोशिप से नवाजा गया है। शोध जगत को प्रोफेसर रघुनाथन का योगदान विस्तृत है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों के जरिए गणित का प्रसार भी शामिल है। छात्रों को निराश नहीं होना चाहिए अगर उनके अध्यापक अच्छे नहीं हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे अध्यापक होते हैं जो बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, इसलिए बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे उन्हें अच्छे अध्यापक मिलेंगे और उन्हें गणित का आनंद उठाना चाहिए। आज इंटरनेट पर गणित से संबंधित कई जानकारियां उपलब्ध हैं। अगर उन्हें लगता है कि अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो वो इंटरनेट से भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आए दिन अलग अलग खूबियों वाले रोबोट विकसित किए जाते हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए एक रोबोट विकसित किया है। सौ नाम का ये रोबोट ना सिर्फ चल सकता है, बल्कि मुश्किल रास्तों पर रेंग और तैर भी सकता है। खोज और बचाव के अलावा इस रोबोट का इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये पहला तरंग आधारित रोबोट है जो कीड़े की तरह चलता है। हम जानते हैं कि ये दो ऐसे आधुनिक तकनीकें हैं जो दुनिया भर में तहलका मचाने को तैयार हैं। कभी सोचा है कि अगर दोनों तकनीकों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? नतीजा है 100। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है, जो न सिर्फ टहल सकता है, बल्कि तैर सकता है, ऊंचाई पर चढ़ सकता है और छलांग भी लगा सकता है। इस रोबोट को सिंगल एक्चुएटर वेव लाइक रोबोट या सौ कहते हैं, जिसे इजराइल में नेगेव के बेन गुरियन विश्वविद्यालय में तैयार किया गया है। अपने नायाब डिजाइन के चलते ये रोबोट आगे और पीछे एक कीड़े की तरह चल सकता है। इसके चलने का अंदाज तरंग के जैसा है, जिसके कारण ये कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है, तैर सकता है और बालू और घास जैसी सतह पर रेंग सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि तरंग के समान चलने की खासियत के कारण 100 सुरंग की दीवारों पर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चढ़ सकता है,
और 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से तैर सकता है। सौ की मैकेनिकल डिजाइन कुछ ऐसी है कि इसमें एक ही मोटर लगा है और इसके भीतर रीढ़ की हड्डी नहीं है। खास बात यह है कि इस रोबोट का रखरखाव ना के बराबर है। दुनिया भर के शोधकर्ता पिछले 90 सालों से इस तरह का रोबोट बनाने का प्रयास कर रहे थे। सौ को तलाशी, राहत कार्यों और रखरखाव के मकसद से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रोबोट का छोटा रूप उपचार कार्यों के लिए इंसानों के शरीर के भीतर भी ले जाया जा सकता है, मसलन पाचन तंत्र की बायोप्सी करने के लिए। बायोप्सी एक चिकित्सा परीक्षण है जिसमें आमतौर पर कोशिकाओं या ऊतकों का नमूना लेकर उसका परीक्षण किया जाता है और बीमारी का पता लगाया जाता है। इस रिसर्च को बायो इंस्पिरेशन और बायो मिमेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एक लंबे जद्दोजहद के बाद देश में समान टैक्स प्रणाली और एकल बाजार स्थापित करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। ये जो वन टैक्स वन कंट्री, ये एक बोगस चीज है। अगर आपका फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ बढ़ता है तो इनडायरेक्टली एज वेल एज डायरेक्टली आप गरीब पे प्रहार थोड़ा ज्यादा होता है। अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव होते हैं, इसलिए लोगों के हित में नहीं है। मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। इससे टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगा और उससे राज्यों की और केंद्र की आमदनी एक स्तर पे आएगी जिससे हम कल्याणकारी राज्य के रूप में काम कर पाएंगे। क्या कैप है, क्या फिगर है, उसको आप साफ 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 बोलना पड़ेगा और बिना आपको बताए हुए ये जाकर के आप कानूनी सुलझ में जरूर आ जाएगा। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रहे वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। बोलिविया में शोधकर्ताओं ने डायनासोर का अब तक का सबसे बड़ा पैरों का निशान खोज निकाला है। मांसाहारी एबेलसोरस प्रजाति के डायनासोर के पैरों के निशान की लंबाई 1.2 मीटर है। इसके साथ ही इस मान्यता को बल मिल रहा है कि किसी जमाने में ये डायनासोर दक्षिणी अमेरिका में रहता होगा। ये निशान बोलिविया के सूकर शहर से 64 किलोमीटर दूर गीली मिट्टी में पाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए टीएमसी गवर्निंग काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक इस प्रोजेक्ट के लिए 35 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस वित्तीय साल में 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पंजाब के संगरूर जिले में लगाया जा रहा है जहां सैटेलाइट कैंसर उपचार अस्पताल बनेगा। आज शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो शक्तिशाली ना बनना चाहता हो। इसी होड़ में विज्ञान का प्रयोग करते हुए परमाणु हथियारों के निर्माण में भी काफी तेजी आई है। लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो इन्हीं परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से लाखों निर्दोष लोगों का जीवन समाप्त हो गया। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर गिराए गए परमाणु बमों ने इन दोनों शहरों के साथ साथ यहाँ रहने वाले लाखों लोगों का नामो निशान मिटा दिया। आज भी इस घटना को याद कर पूरी दुनिया हिल जाती है। इसलिए जरूरी है कि विज्ञान का प्रयोग ऐसे घातक प्रयोग में नहीं बल्कि शांति के प्रसार में किया जाए। खोज खबर में आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
6 अगस्त 1945, जापानी समय के अनुसार सुबह 8:16, यही वक्त था जब जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए अमरीकी बम वर्षक विमान B-29 ने दुनिया का पहला परमाणु बम लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया। और फिर तबाही की जो इबारत लिखी गई वो अकल्पनीय है। हिरोशिमा के आकाश पर मशरूम के आकार का धुआं छा गया। बम का असर इतना खतरनाक था कि करीब 80,000 लोगों ने फौरन दम तोड़ दिया और 35,000 हमेशा के लिए अपंग हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। साल का अंत होते होते करीब 60,000 और लोग रेडिएशन का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे। ये था परमाणु ऊर्जा का विनाशकारी असर। परमाणु ऊर्जा तैयार करने में वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए थे। हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट के साथ ये साफ हो गया कि परमाणु ऊर्जा इंसानियत के लिए वरदान भी हो सकती है और सर्वनाश का जरिया भी। परमाणु बम की खोज करने वाला मैनहट्टन प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का पहला उदाहरण था। दुनिया के तमाम नामी गिरामी वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, मसलन रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर, एडवर्ड टेलर, एनरिको फर्मी, हैंस बेथ, रिचर्ड फाइनमैन, डेविड बोम, लियो जिलार्ड इत्यादि। करीब 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद परमाणु ऊर्जा का विकास किया जा सका था। दिलचस्प बात ये थी कि प्रोजेक्ट में जुटे वैज्ञानिकों को परमाणु बम की विनाश लीला के बारे में मालूम था और उन्होंने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के विरोध में याचिका पर दस्तखत भी किए थे। जो भी हो, परमाणु ऊर्जा की खोज आज की तारीख में ऊर्जा की बढ़ती मांग और परमाणु दवाओं की जरूरतों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये दिन इस बात की याद दिलाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ मानवता को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। अफसोस की बात है कि इसके बावजूद परमाणु हथियारों के निर्माण में कोई कमी नहीं आई है। हम ना होंगे तो तुम भी नहीं रहोगे। आज की तारीख में सारे देश इसी सिद्धांत पर अमल करते हुए परमाणु हथियारों का विकास कर रहे हैं। ग्लोबल यूनियन ऑफ साइंटिस्ट फॉर पीस जैसे संगठनों का मकसद है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और विवाद के मुद्दों का निशस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा करना। विज्ञान ने हमारी जिंदगी में क्रांति ला दी है। बिना तकनीकी की मदद के आज की दुनिया की कल्पना ही मुश्किल है। दूसरी ओर इस पैगाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तकनीकी का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करना होगा। हालांकि प्रोजेक्ट का अंत विनाशकारी रहा, फिर भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक यादगार प्रोजेक्ट रहा। इस प्रोजेक्ट ने मिलजुल कर काम करने के नतीजे दुनिया के सामने लाकर रख दिए। इस प्रयोग ने हमें सबक सिखाया कि मिलजुल कर काम किया जाए तो दुनिया को कई परेशानियों से निजात दिलाया जा सकता है। दुनिया से गरीबी और भूख को दूर कर समानता लाने का सपना आपसी सहयोग की बदौलत ही पूरा हो सकता है। तो आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार।